नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक हमने चैनल नया शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली। अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में कनिष्ठ उंगली पूरी लंबाई के साथ खड़ी हुई है। व्यक्ति में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति मन से बहुत सुंदर होता है, बहुत ही जो मन में बात होती है वो सबके सामने रख देता है। तो ये अपने आप में इस तरीके की उंगली है जो इस बात को बताती है कि इनके पास अपने समय से समझदारी की बात है। इनके पास ऐसी बात नहीं है, ये लोगों की बात को समझते हैं, लोगों को बात समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आइए सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। ये सूर्य की उंगली और सूर्य की ऊपर उंगली का थोड़ा सा टर्न जा करके यहाँ पर थोड़ा अगर मैं कहूँ तो कुछ झुकाव है। जब जब सूर्य की उंगली इस तरीके से झुकाव रूप में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वो कितनी भी मेहनत कर ले उसको ऊंचाई नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ शनि की उंगली के बीच अगर मैं इस तरह ये आपस में उंगली मिलाएंगे तो ये बीच में इनको गैप विराजमान मिलेगा। और इन्होंने बताया भी कि बचपन में 2 साल की इनकी आयु थी जब ही इनकी माता जी का स्वर्गवास भी हो गया। तो परिवार का सहयोग ना मिलने का ये बीच में जो छिद्र जब दो उंगलियों को मिलने के बाद इस तरह से खुला रहता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का सहयोग नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये इस बात को दर्शाती हुई यहाँ पर ये आपकी उंगली के बीच का ये गैप है। बात कर लें शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम टेढ़ी हो गई है। शनि की ढैया, शनि की 5.5 बहुत ही ज़्यादा इनके जीवन के अंदर रोल प्ले करती हैं। यानी कि शनि की ढैया और शनि की 5.5 में इनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। साथ ही एक छोटा सा ब्लैक पॉइंट भी है नीचे बीच में जो इस बात को दर्शाता है कि जीवन में कर्ज इनके पास किसी न किसी रूप में लगा रहता है। बृहस्पति की उंगली, हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि बृहस्पति का की उंगली का जुड़ाव निश्चित रूप से शनि की उंगली के साथ होना चाहिए, परंतु इनकी जो बृहस्पति की उंगली है तर्जनी उंगली वो एकदम सीधी खड़ी हुई है और शनि की उंगली से एकदम अलगाव है। शनि की उंगली के साथ जुड़ना उंगली के लिए इसलिए ज़रूरी है कि शनि धन के कारक होती है और इनके बीच में ये गैप है। अगर ये उंगली को मिलाएंगे तो भी इस तरह से उंगली हटी रहेगी जो इस बात को बताती है कि जीवन में इनके पास धन के लिए बहुत इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन पर्यंत धन इनसे दूर ही रहेगा मेहनत के उपरांत भी। आइए बुध पर्वत की बात कर लें। बुध पर्वत जहाँ उंगली ठीक थी वहीं बुध पर्वत पर किसी भी प्रकार की रेखाएं खड़ी हुई नहीं है। जब कोई रेखाएं खड़ी ना हो और पर्वत ऊंचा हो तो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। साथ ही साथ पर्वत उठा हुआ है तो वो इस बात को दर्शाता है कि आपके पास में धन के लिए आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे। कमाओगे खाओगे बस इतना भर हो पाएगा, कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है, अच्छी शिक्षा का ज्ञान नहीं करती है। साथ के साथ अगर मैं कहूँ तो आप किसी प्रकार का शोध भी अपने जीवन में करने में समर्थ नहीं है। बात कर लेते हैं सूर्य की पर्व की। सूर्य का पर्व दबा हुआ है और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। जब जब इस प्रकार की खड़ी रेखाएं और ऊपर तक यहाँ जा करके एक साथ नहीं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति अग्नि से संबंधित कार्यों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। यानी कि जहाँ से जो अग्नि से चीज़ें बनती हैं उनके द्वारा व्यक्ति अगर कार्य करे तो उससे उसका जीवन यापन चलता रहता है। बात कर लेते हैं आपके धन के पर्व जिसको बोलते थे, धन का पर्व दबा हुआ है और उस पर कुछ रेखाएं खड़ी हुई हैं। यानी जीवन में आगमन आपको मिलते रहेंगे और धन आपके पास आता रहेगा जाता रहेगा, तो आता भी रहेगा जाता भी रहेगा। कोई अच्छी इस रेखा यहाँ नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन में बहुत अच्छा धन आने वाला है। बृहस्पति पर्व की बात कर लेते हैं। ये बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व पर किसी भी प्रकार का ना कोई ब्रैकेट से ना चिन्ह है ना किसी प्रकार की कोई भी रेखाएं नहीं है। तो यानी अपने जीवन में अपनी मेहनत से एक मकान भर भी ये ऐसा व्यक्ति नहीं बना पाता है। चलिए ये अभी यहाँ पर अच्छा है जिस तरह का फल है मैंने आपको बताया। ये आपकी आयु रेखा मैंने ऊपर देखी, वो भाग विवाह रेखा देखी ऊपर लंबी थी और ये रेखा यहाँ पर इस तरह से टूट करके बनती है। बहुत मुश्किल है, विवाह में काफ़ी बाधाएं आएंगी और विवाह ना भी हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऊपर रेखा जा करके सीधी सीधी बृहस्पति पर्व को भी पहुंच गई है। जब जब इस तरह की रेखाएं आती हैं तो जीवन में व्यक्ति अपने हृदय से भी मन से प्रसन्न नहीं है, बहुत दिक्कतें उसके दिमाग के अंदर है। यहाँ भी ये दर्शाती हुई रेखाएं इनके हाथ के अंदर नज़र आती हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके कुछ और प्रश्नों की और उसके बाद जवाब की। इन्होंने कहा कि कर्ज बहुत है, कर्ज कब उतरेगा।
देखिए इनके यहाँ पर हाथ के ऊपर मैं देखूँ तो आयु रेखा पर और इनकी मस्तिष्क रेखा के बीच में एक दीप बना हुआ है। आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये दीप है, यहाँ पर इस तरीके का ये दीप जब बन जाता है तो आयु के इस छोर तक तो आदमी को जीवन में बहुत परेशान करता है, यानी 29 वर्ष तक अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी। आप दिमाग से अपनी याददाश्त से भी कमज़ोर रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये मस्तिष्क रेखा आपकी ठीक है जो चंद्र पर्वत को मिलाती है, यानी कि आप कहीं दूर स्थान से फिर जुड़ जाएंगे और दूर स्थान पे जा कर के आप धन कमाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे योग दिखाई देते हैं करीबन करीबन जाकर के 27-28 वर्ष की उम्र के बाद, यानी याददाश्त जो आपकी है वो ठीक होने वाली है 28 से 29 वर्ष के बाद। तो ये उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और जो आपकी स्थिति है कि भाई यहाँ फिर एक और ये जो यहाँ से वाणी से निकल करके ये जो आई है रेखा ये आगे तक पहुँच गई है, जहाँ तक आपने कहा कि इसमें बोल से निकलता कुछ है बोलता कुछ हूँ, तो ये स्थिति भी आपकी जा करके जो ठीक होगी वो लगभग लगभग 35 वर्ष के बाद होगी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी ठीक होंगी और मैं उपाय भी इसके लिए आपको बताऊंगा। आप में कहा मैं एक अच्छा आदमी हूं और लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई भी दोराह नहीं है कि आप एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं और सही तरीके से दूसरों के लिए आप काम भी करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल आप अच्छे हैं, लेकिन लोग आपको समझ के नहीं हैं, ये दूसरी बात है, थोड़ा मस्तिष्क रेखा है, कुछ भूल भी जाते हैं, इस कारण से भी लोग आपको मजाक का कारण बना लेते हैं। आप चिंता ना करें, 35 वर्ष के बाद स्थिति काफ़ी कुछ अनुकूल होने वाली है। आपकी आपने माँ वहाँ वहाँ गुजर गई थी वो मैंने बता ही दिया ऊपर किस जो है आपके पास। आपने कहा मुझको दिमाग में गैस बहुत बनती है, देखिए मस्तिष्क रेखा के ऊपर जो गैप बनकर के आया है उसी की वजह से आपके दिमाग के अंदर टेंशन रहती है और टेंशन की वजह से आपको गैस बनती है। इसके लिए आप कुछ नहीं, आप 2-4 किलोमीटर की रोजाना सुबह को उठ करके सैर कीजिए, सुबह के समय 2 से 4 किलोमीटर रोज घूम करके आइए और प्राणायाम कीजिए, उससे आपको ये गैस वाली समस्या आजीवन नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। बस इतना भर कर लीजिए, बरकत कैसे हो जाएगी? तो आमदनी कम होने के कारण आपके जीवन में बरकत नहीं है, तो वो जैसे जैसे बढ़ेगी आप कुछ उपाय बताऊंगा वो कर लीजिए, बढ़ेगी फिर उसके बाद बरकत भी होने लगेगी। तो लोग मुझे टोके ये मुझे अच्छा नहीं लगता, देखिए वो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जिसको कोई टोके उसको अच्छा लगता होगा, किसी भी व्यक्ति को वो टोकना अच्छा नहीं लगता। आप मन के स्वच्छ आदमी हैं इस वजह से आपको ज़्यादा चुभ जाता है। चलिए ये बात हो गई आपकी, आप सोचते बहुत हैं ये मैंने बता ही दिया आपको, घबराहट भी जो रहती है वो मस्ती रेखा में जो शुरू में दीप है उसकी वजह से। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। देखिए यहाँ पर रहती बात करें आपकी चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत आपका यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं रेखाएं हैं जो डिप्रेशन की रेखाएं होती हैं, छोटी छोटी मस्तिष्क रेखा डिप्रेशन की रेखाएं हैं, तो ये आपको देती हैं थोड़ा दूर स्थान से जुड़ करके ही। आप जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर ये दर्शाती हुई रेखाएँ आपके साथ में है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जीवन में धन के आगमन नहीं बनेंगे, धन के आगमन तो आपके निरंतर बने रहेंगे क्योंकि आप कर्मठ आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं और आज भी धन के आगमन बने हुए, लेकिन उसमें कुछ बढ़ाइए, पैसा जब तक उसमें नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास बचत नहीं होगी। आप जितना समझते हैं कि इतने पैसे से दुनिया चलती है, इतने पैसे से दुनिया नहीं चलती है। आयु रेखा की बात कर लेते हैं, आयु रेखा देखें तो आयु रेखा आपके हाथ के अंदर बहुत अच्छी आयु रेखा है जो इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन के अंदर आपको लगभग लगभग 78, 79, 80 साल की उम्र है आपकी, तो आप चिंता ना करें, आयु रेखा आपके पास अच्छी है, लग्जीरियस जीवन नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं हो पाएंगी, ये यहाँ पर दर्शाने वाली बात है, तो ये आपके पास नहीं है, लेकिन जीवन में रोटी खाने के लिए किसी प्रकार का वांदा भी नहीं है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की रेखा है, और ये मस्तिष्क चिंता मस्तिष्क रेखा ये विजन क्षेत्र है, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा जो पड़ती हैं, जब जब ये रेखाएँ होती हैं तो जीवन में आदमी के मस्तिष्क में डिप्रेशन बहुत रहती है, आदमी सोचता बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, देखिए ये उपाय कर लीजिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आपको रोजाना शिव मंदिर में जाना,
और शिव मंदिर में एक जल में का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, घर से भर के ले जाइए, उसमें गंगा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए और भगवान शंकर को, गणेश जी को, माता पार्वती को, कार्तिकेय भगवान को, नंदी बाबा को, सबको, पूरे परिवार को स्नान करा करके आएँ। साथ ही साथ अपनी पूजा में आप नित्य रुद्राष्टकम होता है, शिव जी की पूजा होती है रुद्राष्टकम, आप उस पूजा को जोड़ लीजिए और रोजाना अगर आप पढ़ सकें तो आपको संकट नाशक गणेश स्तोत्र पढ़ना चाहिए और हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए। बस इतनी बार पूजा कीजिए, जी हाँ, गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, जो भी जिस तरीके से भी आप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और शिव जी का मैंने आपको बता दिया, इतना बार करिए, बस इससे ही आपको लाभ हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।